गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेलो, हाउ आर यू? ओके, आई थिंक यू हैड डन यस्टरडेज होमवर्क. कल जो मैंने ग्रामर का दिया था वो होमवर्क आपने किया होगा. जस्ट नाउ वन बॉय, टू थ्री स्टूडेंट्स हैड रिटन दिस होमवर्क और मुझे वो व्हाट्सएप पे भेजा भी था उन्होंने अपनी फोटोकॉपी निकाल के. सो फॉर दैट गुड, वेरी गुड, वेरी गुड देम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन देम टू हैड डन होमवर्क. सो लेट्स स्टार्ट अवर वर्क. सी हियर वी हैव टू लर्न अबाउट आई. टुडे सम ग्रामर पॉइंट वी हैव टू लर्न. सो सी व्हेन यू से समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अगर आप कोई अपने बारे में बात करेंगे, वी कैन से आई. जैसे आई एम ए टीना, आई एम टीना. देन सपोज कोई खुद अपने बारे में बात करेगा, आई एम टीना. बॉय होगा तो आई एम ए बॉय. अगर गर्ल होगा तो आई एम ए गर्ल. और अगर कोई सपोज मेरे बारे में बात करना है तो मैं बोल सकूँगा आई एम भाविन सर. ओके, अगर आप कोई दूसरे के बारे में बोलता है, राइट, सो यू कैन से यू आर. सो हियर ये लड़का इसको बोलता है यू आर राज, राइट. तो मैं भी आपको बोल सकता हूँ यू आर जक्स, यू आर जय, यू आर टीना, राइट. देन अगर हम दूसरे के बारे में बोलते हैं तो यू आएगा. अगर और यू ज़्यादा हो, ये लोग ज़्यादा हो गए तो भी हम यूज़ कर सकेंगे. यू आर बॉयज, यू आर अ बॉय, यू आर बॉयज, यू आर ए गर्ल, यू आर गर्ल्स, राइट. देन नाउ सी इफ आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट वन गर्ल, मुझे ऐसी कोई गर्ल के बारे में बात करनी है तो मैं क्या बोलूँगा, सी इज. सो हियर दिस बॉय इज टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल, सो ही इज स्पीकिंग सी इज मीना. अगर किसी गर्ल के बारे में बात करते तो हमको क्या यूज करेंगे, शी. सेम अगर हम किसी बॉय के बारे में बात करेंगे तो क्या यूज करेंगे, ही. तो ही इज अमित, ये बॉय है. ये लड़की ये बॉय को बोल रही है ही इज अमित, ये लड़का इसको बोल रहा है ही शी इज मीता, मीना, सॉरी. और इसे यही चीज अगर हम कोई नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे, राइट. सो दिस इज यू मस्ट नो द इट इज अ पैन काइट. नाउ अगर ये पेन है तो पेन के बारे में बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इट इज अ पेन. ये बुक के बारे में बोलना, क्या बोलेंगे, इट इज अ बुक, राइट. सो दिस वे यू हैव टू स्पीक वेर एवर यू यूज आई. अपने बारे में आई, सामने वाले के बारे में बोलेंगे तो यू, सामने वाली लड़की होगी तो शी, सामने वाले लड़का होगा उसके बारे में बोलना है तो हम बोलेंगे ही. और सामने की चीज थर्ड पर्सन सिंगुलर, इट इज अ वन गर्ल, वन बॉय, टेबल, चेयर, बॉल, बैट, ऐसा कुछ होगा तो वी यूज इट. सो टुडे वी हैव टू लर्न हियर ही शी इट. ओके, अब इसके बारे में हमको सेंटेंस लिखना है. सो दिस इज द वर्कबुक पेज नंबर 145 या पेज नंबर 145 है. सो 145 पेज में ये ब्लैंक से आपको लिखनी है. सी दिस इज व्हाट विल कम. देख लो इसमें क्या आएगा. सी नाउ दैट इज अ हाउस, क्या है, दैट इज अ हाउस. डैश इज येलो. अब हाउस लिविंग है कि नॉन लिविंग, हाउस इज अ बॉय और गर्ल, क्या है हाउस, हाउस इज वो बॉय नहीं है, गर्ल नहीं है, लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है. सो व्हाट विल कम, इट, इट इज येलो, राइट. देन नाउ दिस इज मीना, यह मीना है, यस. सो दिस इज माय सिस्टर, तो मीना इज अ गर्ल, राइट. मीना क्या है, गर्ल है. सो वी हैव टू राइट सी इज माय सिस्टर. ही मीना इज अ गर्ल, दैट्स व्हाई वी राइट सी. ओके, सो दिस वे इट एंड सी विल कम इन दिस ब्लैंक. नाउ नेक्स्ट ब्लैंक. सी डैश एम अ बॉय,
हियर इज एम रिटन, एम है तो एम कब आएगा याद करो, वेन एवर आई, आई होगा तो एम आएगा. सो दिस इज आई एम अ बॉय, माई नेम इज जय. नाउ नेक्स्ट, नितिन इज अ बॉय, नितिन लड़का है राइट. अब लड़का है तो क्या आएगा भाई, ही आएगा, शी आएगा कि इट आएगा, क्या आएगा बोलो, जय जक्स बोलो तो जक्स, क्या आएगा भाई. ओके वेरी गुड, तो लड़का है इसलिए क्या आएगा भाई, ही. तो वी राइट ही इज माय फ्रेंड. ओके नाउ नेक्स्ट वन, लुक एट दैट बस, वो बस देखो. अब बस कौन है, लिविंग के नॉन लिविंग, बस इज ए नॉन लिविंग, तो इट, इट इज रेड. ओके नेक्स्ट, पिया इज क्राइंग, पिया लड़की है वो रोती है, क्यों रोती है वो मालूम नहीं है, किसने मारा होगा, हाँ तुमने उसकी चॉकलेट ले ली है इसलिए रोती है, नो प्रॉब्लम. पिया इज क्राइंग डैश इज अ बेबी, क्योंकि वो लड़की छोटी बच्ची है, पिया लड़की है, सो वी हैव टू राइट शी, शी इज अ बेबी. ओके नाउ डैश आर अ गर्ल, योर नेम इज टीना, तुम्हारा नाम टीना है, सो यू आर अ गर्ल, सामने वाली लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, लड़की के बारे में, तू गर्ल है और तेरा नाम टीना है. नाउ नेक्स्ट, राम इज सिंगिंग, राम लड़का, लड़का है वो गा रहा है, सो व्हाट विल कम, ही, राम इज सिंगिंग एंड ही इज सिंगर, ही इज अ सिंगर. नाउ डेज आर नाइस गर्ल्स, सो यू आर नाइस गर्ल्स, वाई ओ यू, हमको यहाँ पे ही शी इट और यू और आई से रखना है, सो वी आर ट्राई टू, सपोज यहाँ पे कोई दे लिखेगा ना टी एच यू आई दे तो भी सही होगा. ओके डैश एम, बोलो बोलो भाई एम आया तो क्या आएगा, आई, वेरी गुड, आई एम गोइंग टू स्कूल, यस आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ. ओके राज इज प्लेइंग अ पियानो, डैश इज अ म्यूजिशियन, यहाँ पे म्यूजिशियन कौन है, राज, राज म्यूजिशियन है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ही, अरे क्यों ही आएगा, बिकॉज राज इज अ बॉय, ही इज अ म्यूजिशियन. दिस इज ट्री, दिस इज अ ट्री, डैश इज अ मैंगो ट्री, यह ट्री है बट इट इज अ मैंगो ट्री, क्योंकि ट्री इज नॉन लिविंग, वेरी गुड. डैश आर फैट, डैश एम थिन, हम सामने सामने बात कर रहे हैं, तो यू आर फैट एंड आई एम थिन, एम है, एम के बाजू में आई ही आएगा, आर होगा तो यू आएगा. ओके नेक्स्ट वन, दैट इज अ कैट, ओके व्हाट इज अ कैट, दैट इज अ कैट, बट कैट कौन है, लड़की के लड़का, के लिविंग के नॉन लिविंग, एनिमल, यस कैट इज एनिमल, लिविंग बींग्स एनिमल, लिविंग एनिमल है राइट, सो एनिमल के लिए ईट आएगा, क्योंकि कैट लड़का नहीं है, कैट इज नॉट अ बॉय नॉट अ गर्ल, अगर कैट बॉय होगी तो क्या करेंगे, ही, लेकिन कैट तो नहीं, आपको देखा है. ओके रीमा इज प्लेइंग विथ डॉल, रीमा प्लेइंग विथ डॉल, रीमा डॉल से खेल रही है. ओके एंड डॉल डैश इज अ गर्ल, यहाँ पे गर्ल के बारे में बात किया है, देखो डैश इज अ गर्ल, डॉल के बारे में बात नहीं की, इसलिए शी इज अ गर्ल, अगर यहाँ पे डॉल लिखा होता ना तो हमको ईट लिखना पड़ता है. ओके सो दिस इज व्हाट यू हैव टू फिनिश इन योर वर्कबुक, ये आपको अपनी वर्कबुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी लिखना है, क्लियर. मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप ये लिख दो, एवरीवन मस्ट राइट डाउन दिस, क्लियर. देन नाउ नेक्स्ट, नाउ सी हियर यू हैव टू राइट आर्टिकल्स ए एंड एन, ए बॉय विथ अम्ब्रेला, सो व्हाट वी हैव टू राइट, अ बॉय विथ एन अम्ब्रेला, क्यों एन आएगा, क्योंकि हमने मालूम है एन कब आएगा,
ओके वेरी राइट हियर। एन कब आएगा? जब वॉवेल्स होगा, वॉवेल से शुरू होता है। वॉवेल्स मतलब ए ई आई ओ यू, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन देखना है। पहले भी मैंने सिखाया है, इसमें आता है फिर से रिवीजन, इसलिए मैं इस वीडियो में ले लेता हूँ। डैश इज एप्पल, तो एन एप्पल इन अ डिश, एन एप्पल इन अ डिश। ओके ये सबको आप सबको आता ही है। बो, इट्स अ बो, बो से शुरू होता है, तो क्या आएंगे? ए बो एंड एरो, इट स्टार्ट विथ अ, सो एन एरो। ओके एलिफेंट, ई तो है लेकिन मेन क्या है? अ से बोलते हैं। द प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट विथ वोवेल, तो एन एलिफेंट अंडर अ ट्री, ट्री ट से शुरू होता है। नाउ एग, इट्स एग, अ से बोलते हैं, इसलिए एन एग एंड ए नेस्ट, एन एग एंड ए नेस्ट, एन एग एंड ए नेस्ट। नेक्स्ट आयन एंड अम्ब्रेला, सो आयन आई आर ओ एन आयरन, सो एन आयरन एंड ऑन अ टेबल, राइट एन आयरन ऑन अ टेबल, क्योंकि वॉवेल से शुरू होता है। अब आउल, आउल मीन्स वी हैव टू टेल इज अ ओ आ उल अ, तो एन आउल ऑन अ ट्री, राइट एंट, तो एन एंट ऑन अ लीफ, ल लीस ल से बोलते हैं। नाउ गर्ल, इट स्टार्ट विथ ग जी, तो ए गर्ल एन आइसक्रीम, आ आइसक्रीम अ से शुरू होता है और आगे वॉवेल भी है। ओके सो नेक्स्ट वन अ बनाना एंड एन ऑरेंज, अ बनाना एंड ऑरेंज। सो इन दिस पेज नंबर 147 वी हैव टू राइट डाउन दिस, देख लो भैया कैसे लिखना है, राइट ए बॉय विथ एन अम्ब्रेला एन एप्पल in a dish, a egg, a bow, see this is how it was written, this everything you have to write down, okay, ये articles हमने पहले भी सीख लिया है, right, पहले हमने सीखे है, ये an है, an, ओके नाउ वंस अगेन फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए और एन। बस, तो ए बस, ऑरेंज एन ऑरेंज बिकॉज अ पैरट, प प बोलते हैं तो अ पैरट, इट इज एक्स, अ बोलते हैं तो एन एक्स, इट इज अ पेंसिल, प so a pencil, aeroplane, how can we pronounce aeroplane, a a aeroplane, so an aeroplane, it's a drum, d d bolte hai, so a drum, right, it's I lion, l i u n lion, so a lion, I n I door, d w r, so a door, a door, ink pot, so an ink pot, you are an urn, it's a, it is we can say urn, that is an urn, right, zoo, z, so a zoo, an engine, 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 it is an engine, okay, so this way you also have to write this in your notebook and workbook, ये वर्कबुक में एंड नोटबुक में वीडियो पॉज करके आपको लिख देना है। ओके सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू वन अनदर थिंग, अ न्यू थिंग, न्यू लेसन वी विल स्टार्ट। ओके तब तक के लिए गुड बाय, सी यू,
और एवरी वन मस्ट राइट एंड गिव मी मैसेज, मुझे फोटो निकाल के मैसेज करके भेजिएगा कंपलसरी। ओके बाय।